हमारी पाकिस्तानी फिल्मों की जान मीरा जी, बहुत स्पेशल गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मीरा जी। वालेकुम। कैसी हैं आप? इनॉग इज इनॉग जी। इनॉग इज इनॉग मतलब इनफ इज इनफ कह रही है। लिख के रह गया ये लो यूजीएच रमेश आपकी मुझे मेरी आवाज को हंसी में उड़ाओ मत। मुझे आपकी गूगल्स बहुत पसंद आ रही है। दुनिया के सामने डरते हो बताओ, मैं भी बहुत पसंद। क्या बात है आपकी, आपको कौन पसंद नहीं करता। और मैं एक बात बता दूं रमेश, मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा, ठीक है? मुझे मैसेजेस करना बंद कर। रमेश भाई आखिरी दो दिन बड़ा मुश्किल। शी हेट्स मी, शी हेट्स मी अ लॉट। जी बिल्कुल, हमने इनका तो इंट्रोडक्शन करवाया नहीं और इसके साथ ही शुरुकारी भी बहुत बड़ा नाम है शुरुकारी का। और हमारे साथ हैं जी चाहत फतेह अली खान, जिनका असल नाम आयशा, जिनका असल नाम जो है वो राणा काशिफ है। तो ये काशिफ और राणा और उसके बाद खान, तो ये कोई कॉम्बिनेशन बनता नहीं था भाई। बहुत बोलती है लड़की। आपकी तारीफ कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। और आप लोग मुझे मुबारकबाद दे पहले। रवि भाई मुबारक हो, मुबारक हो। पूछेंगे नहीं किस चीज की। किस चीज की? मैंने आपको लास्ट में बताया था निबीबिया वाले मुझे डिग्री दे रहे हैं, वो मैंने ले ली है, लेकिन उन्होंने मेरी गर्दन 360 डिग्री पे मरोड़ के डिग्री दी है। वो मैं ले ली है। चाहत जी, आज आपने अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, अपना रवायती अंदाज बात ही शुरू कर दी। नहीं जरूर बिल्कुल, मैं फिर एक्साइटमेंट में इंसान बहुत सारी चीजें भूल जाता है और उसके याद भी ऐसा उसका कहना क्या। लेकिन कोई बात नहीं, नया लगवा लेंगे। रमेश मेरे पीछे पीछे आप मेरी सीट पे पहुंच गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सच्ची मोहब्बत जो आज कल की है उसकी आखिरी मंजिल ब्लॉक लिस्ट ही होती है। मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपको ब्लॉक करूं। एक तरह की गलत इंग्लिश ने जो है ना बर्बाद की। ये बताएं कि अंग्रेज जो है वो शहरी को इंग्लिश में क्या कहेगा? अंग्रेज शहरी करते ही नहीं। एक मिनट, इजहार, इतने दिनों से तुम छुन्ने काके बने हो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये माची बम इतना बड़ा पटाखा। माची बम, माची बम, वो हम सब रात में माची बम चलाते, वो चिचड़ भी चलाते, चिचड़ भी चलाते, और भी थी फूकी बम भी चलाते थे। इस बार जैसे लड़के इनसे अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पे नहीं लगती, लेकिन अपने महबूब को चांद पे ले जाने की बातें कर बहुत अच्छी जी बकवास की आपने जी, बहुत। और मैं इरफान तुम्हें बता दूं, तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो। मुझे भी पता है तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो। उनके मुझे बिठा दिया मजबूरी। अच्छा मीरा एक बात बताऊं, आप में और मुझ में एक कदर मुश्तरक नहीं है। कौन से? मैं मर्द हूँ और औरत। बात फिर वो मैं वही कहूंगी कि मेरी फ्रॉक पहन सकते हैं आप। आपको पता है ये ज्वेलरी बड़ी नायाब है, ये मुझे कहाँ से मिली पता? कूड़े से ही ढूंढी। यार मतलब बात क्या खा के आई है, गुलुकार है वो, कूड़े से क्यों लेंगे? अच्छे, आप मेरी फैन है, आपने खून से खत लिखा था कि नहीं? मैंने? हाँ। आपने जवाब ही नहीं दिया। लिखा था वो क्या? लिखा था। बाद में मैंने टेस्ट कराया, वो छिपकली का निकला था। ये धोखेबाज है। सुनिए, सुनिए, रवीजा जी। मैंने हिसाब लगाया, शुमायला जैसी लड़कियों का जो महबूब होता है रमेश, वो इनको चॉकलेट या गुलाब नहीं देते, बर्तन धोने वाला साबुन। बहुत अच्छी। चाह जी वैसे आप मर्दों से ज्यादा खवातीन में मशहूर है, इसकी वजह क्या है? लंबे बाल। लंबे बाल तो आपके भी हैं, लेकिन आपके एक्सटेंशन है, मेरे ओरिजिनल हैं, ये देखें। अच्छा बात ये है कि जो नाजुक लोग होते हैं सिर्फ नाजुक उन्हें ही पसंद करती है, और आर्टिस्ट नाजुक ही होता है। उससे यकीन जाने
कि मैं बल्ब चेंज कर रहा था, सीढ़ी से गिरा, मैं रेधा रेधा हो गया. उसके बाद अर्नल्ड आया और बोला आई बी बैक. वो समझ रहा था मैं वो सिक्का हूँ पारा जो तो पिघल जाता है फिर जुड़ जाता है. मैं फिर अपने आप को समेटा. मैं रोज टूटता हूँ, रोज टूटता हूँ, उसके बाद कभी जुड़ता ही नहीं. आप तो शायर भी हैं. देखिए शायरी आशिकी जो है वो बहुत दुख देती है. अच्छा. मुझे इश्क हो गया था जी. अच्छा. कितनी दफा? बस फिर वो बकरी भाग गई. मीरा जी आपने भी तो शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी सलमान खान के साथ. क्या बना? इसको कोई एटीएम स्पेशलिस्ट के पास लेते. इसके कान काम नहीं कर रहे. एटीएम नहीं होता वो, डीएमएन होता है. एटीएम. मैंने सलमान नहीं इरफान कहा था. इरफानी मेरे मोहल्ले का इरफान. देखो इसकी बाछें कैसे खिल गई. इरफान जान छूट गई आपकी. अल्लाह ने बचाया. अच्छा तो सब हंस रहे हैं, आप क्यों चुप हैं? क्या हो गया ऐसा? मुझसे शेयर करें. मेरा ख्याल है थोड़ी क्रिकेट की बातें भी कर. जरूर जरूर जी. आपने बहुत अच्छा पुश स्टार्ट किया था. आज तो मैच भी नहीं हुआ. अच्छा मैच तो आप भी खेलते थे, हम इस पे भी बात करेंगे. लेकिन लेकिन बाद में बताना चलूं, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है और आके भाई के साथ खेलते रहे. ये तो प्रोफेशनल क्रिकेटर भी हैं. मैं ये भाई साथ खेले हुए हैं ये. अच्छा. आके भी उस दौर में मौजूद थे. ये सारे मुझे मिलके जलाने वाले थे लेकिन मैंने कहा मैं क्रिकेट कर दिया. इन्होंने कहा आकिब ने नाच जा पीछे ना देखी पत्थर हो जाएगा. और ये इनके जो क्लब था शेखुपुरा में आके भाई उधर ही खेलते थे. आज बहुत किस्मती से मैं स्कूल में गया तो ये कप्तान थे जी. तो मुझे फिर ऑप्शन कोई नहीं थी, उनकी कप्तानी में खेलना पड़ा. ये मेरे लिए एहसास की बात है. रमीज साहब जो है वो मेरे साथ नहीं, वरना आप मेरी कप्तानी में होते. आज आपका करियर खराब कर लेता है. गवर्नमेंट कॉलेज ने भी नमूना झीला हुआ है. हाँ जी. स्टैंडर्ड को क्या हो गया? टेक्निकल क्वेश्चन मैं चाहत जी से भी और मीरा जी से भी करना चाहती हूँ. चाहत जी टाइम आउट क्या? मेरा पला हो जाए जी. टाइम आउट नहीं, सॉरी, मैंने आपसे पूछना था इस वो दूसरा एक सवाल पूछना था. आउट स्विंग आपसे पूछना चाह रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए. सारी बात ये है कि जो इंग्लैंड ने क्रिकेट इन्वेंट किए सरासर गलत है. जितने भी प्लेयर आज तक खेल रहे हैं गलत. अब कवर ड्राइव है वो गलत खेलते हैं. अच्छा. कवर ड्राइव असल में बेसिकली ये आप आए पिच पे खड़े हैं जी जी. आप वैसे या तो मैं कॉमेडी कर लेता हूँ या फिर वहां जाएंगे तो तकिया गिर जाएगा. हाँ जी. बहुत अच्छे. घर का भेदी लंका भाई जी. कवर ड्राइव हमेशा कवर ड्राइव. लड़को जितने भी नए आने वाले हो कवर ड्राइव इनकी नहीं सुननी, मेरी सुननी. यू कवर करना अपने आप को. एक हाथ स्टेयरिंग पे एक गियर पे ये ड्राइव कर गया चले. और ये जो स्वीप होती है स्वीप ध्यान से यहाँ भी स्वीप करने की जरूरत. ये जो स्वीप है ये आप 6 बजे करें, ये अच्छा मौजू वक्त होता है. ये स्वीप सुबह के 6 या शाम के 6? नहीं वो रात 12 बजे स्वीप है. तो ये पुल शॉट और हुक शॉट भी बता दे आपका. पुल और हुक. हाँ. हुक तो ये है जैसे मैं जा रहा हूँ. ये हुक शॉट लग गया. पुल भी कर रहे हैं आप. पुल भी कर रहे हैं. पुल शॉट. ये पुल है. ये आप इन चीजों का ख्याल रखना है. आपके क्रिकेट का बेड़ा गर्क ना हुआ मेरे नाम में. जी जी. इतना म्यूजिक का किया. ये कुछ टेक्निक्स हैं जी. मैं आपको एक बात बताती हूँ. अभी चाहत साहब ने स्वीप की बात की. इरफान जैसे लड़कों में पता क्या टैलेंट होता है. रमेश जी फरमाए. तो तुम्हारी चोरी चोरी देखने की आदत. इरफान जैसे लड़के ना
अपने ही किराना स्टोर के चार चार झाड़ुओं से तिनके निकाल के अपना एक झाड़ू तैयार कर और इन्होंने गिफ्ट कर दे। अच्छा मैंने वैसे जो भी है मैं एक बात बता दूं आयशा जी जी जी, एक अच्छी बीवी वही होती है जो मेहमानों के आने के बाद शोहर की एक आंख के इशारे पर चाय बना लेती है। अच्छा, और इजहार एक अच्छा शोहर वही होता है जो मेहमानों के जाने के बाद बीवी की आंख के एक इशारे पे सारे बर्तन धो लेता है। वाह भाई, याद नहीं हो गई। अच्छा, इज अ टैलेंटेड गाय। अच्छा, मैंने वर्ल्ड कप का सॉन्ग एक तैयार किया जी जी, आपसे पूछना भी था, हमने सुना, बड़ा मशहूर सॉन्ग है आपका। जी फरमाएं। आपके कानों को अदाब चाहिए तो मैंने तैयार किया है। अज ये सही है, इसलिए कि परफॉर्मेंस के हिसाब से इन्होंने गाना बनाया है। अब सुर्दा किस्म का तराना। अच्छा, ऐसे लग रहा तबेले में कट्टा जो है वो मुसीबत में। अज राती मेरा बाजा ले गया कोई चुक, वर्ल्ड कप गया मुक। अज राती बाजा मेरा ले गया कोई चुक, वर्ल्ड कप गया मुक। सोनी है, सोनी है। लच। अज काश काश उस बाजे की जगह कोई आपको चुक लेता। कोई नितिन मोड़ा चुकेगा। आपको पता है रियाज मैं बड़ा करता हूँ। एक दफा रियाजत में साउथ पोल, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, दोनों होते हैं दोनों। मैं नॉर्थ का पोल कर ले। मैं सेंटर वाले पोल में जो बीच का ना साउथ ना नॉर्थ, पोल की बात नहीं कर रहे आप। सॉरी, मैं वहाँ रियाजत कर रहा था। अच्छा, मैं रियाजत कर रहा हूँ, पीछे से जो है पोलर बियर और उसने रात के चपेड़ मारी इसको। पोलर बेर आया और कहता है मामा मामा मामा। हाँ, मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, यकीन जाने मैंने अपनी किस तरह जान बचाई है ये मैं ही जानता हूँ। गोद ले लेना था आपने। कहता है कि मुझे माँ की ममता चाहिए। बताइए ना फिर आपने उन्हें बाप और माँ दोनों का प्यार। मैंने उसे बाप और माँ दोनों बन के पाला है। अभी मेरे पास साथ ही है, बड़ी जिद कर रहा था लेकिन मैंने कहा नहीं, लोग ज्यादा हैं सबको खा जाता। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब आप मीरा जी बहुत मसरूफ है, जब आप उधर मुंह करके कवर ड्राइव सिखा रहे थे ना, तो पीछे से उजड़ी हुई बतख लग रही थी। लग रहे से क्या मतलब? यकीन जाने क्यों चाहते हो कि मेरा ध्यान तुम्हारे पे जाए। यकीन जाने इतनी बदतमीजी, इतनी बदतमीजी हमेशा से होती है। कोई नई बात नहीं है। देखिए मीरा जी को कितना इंटरेस्ट है मैच में और वो आपको कितना परफॉर्म करते हुए देख रही थी। मीरा जी मुझे टाइम आउट का तो बताएं, वो क्या होता है और मैच के लिए कितना जरूरी है? टाइम आउट वही है जो भी इस शो के बाद 11:55 पे हो जाएगा। अब मैं घर जाऊंगी। और मेरी बात सुनो इरफान, ये मेरे पीछे जितने ब्रांड चल रहे हैं इनके पैसों की बात नहीं हुई मेरे से। मतलब इनके हिस्से की बात नहीं हुई। सिर्फ 7,000 रुपया इन्होंने कहा है कि ब्रांड चल रहे हैं। 700 कहा था, 7,000 रुपया ही नहीं। मीरा जी फंड्स भी मांगे थे गवर्नमेंट से, पहले हॉस्पिटल के लिए मांगे, फिर कुछ फिल्मों के लिए शायद कुछ मांगे थे, कुछ मिले फंड्स क्या? मैं एक हॉस्पिटल टाइटल के साथ फिल्म बना रही। अच्छा, मैं लोगों के दर्द को समझती। उसमें डॉक्टर कौन बनेगा? चाहत नहीं, खुद आके देख कामयाब डॉक्टर नहीं लगते, इसलिए मुझे रोल देना है। तो देखो आजकल के दौर में हर चीज पैसा मांगती है, ऐसे ही अब तो मोहब्बत भी अंधी नहीं होती। अब तो मोहब्बत भी शक्ल के साथ साथ बैंक बैलेंस देखती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह इजहार जैसे डॉक्टर जो है वो मोबाइल की टॉर्च में भी ऑपरेशन कर लेते हैं।
मीना जी हमने सुना है आप बलोची लैंग्वेज सीख रही हैं। आपने सुना ही है? मैंने सुना है, मतलब मीना जी के इंटरव्यू में। ये कौन बता रहा है आपको? मीना जी के इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो बलोची सीख रही हैं। मैंने इसका हिसाब लगाया है। रमेश जी लड़के सिर्फ सुनते ही अमल नहीं करते। मैं आपके इंटरव्यू देखती हूँ मीरा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा सवाल क्या है जी? सवाल कि बलोची लैंग्वेज सीख रही है, क्या जरूरत पेश आ गई? देखो किसी पंजाबी ने तो मेरी कदर की। तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये गंजी बतख मेरे सामने आ जाती है। तो मैं बता रही थी कि मैं बलोची इसलिए सीख रही हूँ, शायद कोई बलोची मेरे दर्द को समझ। जब मैं बलोची सीखने गई तो बलोची कहता है, आप घर में कौन सी जुबान बोलती? मैंने कहा ये वाली। क्या किया आपने?